का मामला। क्यों हत्या करी? मोहब्बत में धोखा दे दिया और धोखे तो देने की सजा एक ही कहनू संजय का सर में। मोहब्बत में धोखा दे दिया, धोखा देने की सजा एक ही है, सिर्फ मौत। इसीलिए चाकू से उसकी गर्दन काट डाली। 2.5 साल की मेरी कमाई खाई और दूसरे यार के साथ फंस गई। मोहब्बत में धोखा दिया तो अपने को बर्दाश्त नहीं हुआ। ये फिल्मी डायलॉग नहीं बल्कि प्रेमिका की हत्या करने वाले आरोपी अदनान उर्फ बिल्लू का कबूलनामा है। उसका कहना है कि मोहब्बत या फिर दोस्ती में धोखा मिल जाए तो मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। और वो कहता है कि मैं संजय दत्त का बहुत बड़ा फैन हूँ और संजय दत्त की फिल्म खलनायक देखकर वो बल्लू बना और उसका एनकाउंटर कर दिया। आपको ये भी बता दें कि अदनान उर्फ बिल्लू पहले से शादीशुदा था। उसकी पहले से 2 शादियां हो चुकी थी लेकिन उसने दोनों को छोड़ दिया था और उसे आसमा नाम की महिला से प्रेम हो गया और उसी से शादी करना भी चाहता था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा के रहने वाले अदनान की आसमा नाम की महिला से काफी समय से प्रेम प्रसंग था। कुछ दिन पहले अदनान को आसमा पर किसी और के साथ अफेयर का शक हुआ। इसके बाद उसने मंगलवार को आसमा को बुलाकर गला रेत कर हत्या कर दी। इसके बाद शव कब्रिस्तान में फेंक कर फरार हो गया। महिला का लवारिस शव मंगलवार को खुर्जा के मोहल्ला खीर खानी कब्रिस्तान में मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने महिला की पहचान की और उसे उसके नंबर की डिटेल्स निकाली तो अदनान से बात हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर अदनान को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की। इसके बाद आरोपी ने प्रेमी के मर्डर की बात कबूली। उसने हंसते हुए बताया कि आसमा के धोखा देने पर उसने चाकू से उसका गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। प्यार मोहब्बत में धोखा देने की सिर्फ एक ही सजा, मौत। उसने बताया कि वो संजय दत्त का बहुत बड़ा फैन है, संजय दत्त की मूवी खलनायक देखकर बल्लू बलराम बना। इसी के साथ वो धमकी भी देता है कि जितना भी बदला लेना है मुझसे ले, अगर मेरे घर वालों के ऊपर आंच भी आई तो बम से उड़ा दूंगा, सबको मार दूंगा। घर वालों पर उंगली नहीं उठनी चाहिए, जिसने घर वालों पर उंगली उठाई तो मैं उसे काट डालूंगा। फिलहाल पुलिस ने इस सरफिरे आशिक को गिरफ्तार कर लिया है। ये कोई पहली घटना नहीं है जहां ऐसे सरफिरे आशिकों ने अपने पार्टनर को बेरहमी से ना मारा हो। बल्लू बल्लू आ, क्यों हत्या की, क्या मामला? क्यों हत्या करी? मोहब्बत में धोखा दे दिया। अच्छा। और धोखे तो देने की सजा एक। अच्छा। 2.5 साल की कमाई खाई मेरी पूरी और दूसरे यार से फंस गई। हाँ। मोहब्बत में धोखा दे दिया। अच्छा। बर्दाश्त नहीं हुए अपने को। कौन सी फिल्म देख के करा ये कांड? बल्लू संजय फैन हूँ संजय का सर में। और बिल्लू सांडा कहाँ है इस वक्त? बिल्लू सांडा तो मर गया। हाँ। एनकाउंटर कर दिया उसका। अच्छा। और क्या आगे चल के क्या करना? क्या बनना आगे चल के? हाँ। ये तो सजा काटने के बाद में पता लगी क्या बनना आगे जाके, अच्छा बनना या बुरा बनना। जितना भी बदला ले मैं ना, जितने भी बदला ले मैं ना, बंटवारे ले मैं मिस्त्री सिर्फ। अगर मेरे घर वाले के ऊपर आंच भी आई ना तो घर न उड़ादमा बम से समझ लो। हाँ, सबको बम बनाने तो ना आता सीख जम्मा, कोई बात ना, टैंकरोजी ऐसी चीज है सीख जम्मा, कंप्यूटर चलाने सीख जाते। हाँ, तो मैं भी सीख जम्मा।